पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ह्यूमन राइट वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नववर्ष उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ह्यूमन राइट की सभी सदस्याएं मौजूद रहीं। सभी ने नववर्ष के आगमन पर एक दूसरे को बधाइयां दी, तो वहीं सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सभी ने खूब मस्ती की, फिल्मी गानों की धुन पर अपने अंदाज में डांस किया और कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजित कार्यक्रम की संयोजक अध्यक्ष नीलिमा अग्रवाल रहीं, साथ ही सभी को आगामी साल भर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर नीलिमा अग्रवाल, नीना अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, सुगंध कपूर, परमजीत आहूजा, रश्मि अग्रवाल, सीमा सचदेव, भारती, कुमकुम, वंदना भाटिया, प्रीति शर्मा, सुधा अग्रवाल के साथ और भी सदस्याएं मौजूद रहीं। मानवाधिकार से आज हम लोगों ने सबने मिलके नए साल का जश्न मनाया। 2019 हमने सेलिब्रेट करा, बहुत अच्छा लगा। सबने मिलके डांस एंजॉय और गेम्स वगैरह खेले। लोगों ने यहाँ पर चेयर रेस करी, कुछ अंताक्षरी करी, कुछ गेम्स करे एंड डांस करके हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन करा। हम लोग मानवाधिकार संरक्षण समिति के सभी मेंबर्स हैं और सभी हम अपने शहर में ये चाहते हैं कोई भी परेशानी में है तो हम लोग उसकी कुछ हेल्प कर सकें, इसीलिए सोसाइटी खोली है हमने। आज हम लोग मानवाधिकार दिवस के सभी लोग मिलकर के हमने नया साल सेलिब्रेट किया और हम ये चाहते हैं कि हम इस साल अपने जो भी हमारा एजेंडा बनाया वो कम से कम पब्लिक के काम आ सके और बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग नई नई चीज़ें लेके आए हैं। इस साल हम ये सोच रहे थे कि हम जितने भी बच्चे जो कि बाहर घूमते हैं और जो लोग बेसिक धारा में नहीं आ पा रहे हैं, हम उनको मूल धारा में ला करके और उनका सुधार करें। सबसे पहला तो इस बार हम यही अपना फर्स्ट एजेंडा है और सेकंड एजेंडा है कि जितना इतना फोक चल रहा है तो हम लोग मिल करके जो है उसमें लाइट्स के ऊपर लगवा दिया जाए, रिफ्लेक्टर लगवा दिया जाए ताकि जो है लोगों की जान सेफ्टी में उनकी बनी रहे और उनको किस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और इसके नेक्स्ट हम ये सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग नगर निगम में थोड़ा सा और ज़्यादा जोर देंगे ताकि जो आवारा जानवर इधर उधर घूमते हैं, जो रोज के पेपर्स में होता है कि बच्ची को उठा कर ले गए, कभी लगता है कि नवजात शिशु के संग कुछ हो गया, तो कम से कम हम नगर निगम से इतना आग्रह जरूर करने जाएंगे कि कम से कम आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए ताकि उनको जंगल वगैरह में भेज करके समाज को सुरक्षा दी जा सके।